नमस्ते पेरेंट्स, क्या आप इन्हें पहचानते हैं? हम में से शायद ज्यादातर लोग नहीं। क्यों? क्योंकि ये कहानी है पूरी दुनिया जीत लेने की, लेकिन अपने ही घर में हार जाने की। आप हैं गांधी जी के सबसे बड़े पुत्र हरिलाल मोहनदास गांधी। गांधी जी की मृत्यु में करीब 5 मील लंबी शव यात्रा थी और उसमें हरिलाल भी मौजूद थे, लेकिन हरिलाल हिम्मत नहीं जुटा पाए कि सामने आकर दाह संस्कार में भाग ले पाते, और ज्यादातर लोग उन्हें पहचान भी नहीं पाए। ऐसा क्यों? आप जानकर शॉक हो जाएंगे कि हरिलाल पर रेप के चार्जेस थे। ही वॉज एन अल्कोहलिक, उधार और सभी तरह की समस्या। अब हम सोचें कि ऐसा हुआ क्यों? गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनका बच्चा इस तरह से कैसे व्यवहार कर सकता है? हरिलाल ने गांधी जी को कहा कि मैं बाहर आपकी जैसे ही बैरिस्टर बनने के लिए पढ़ने जाना चाहता हूं, और गांधी जी ने कहा नहीं, तुम नहीं जा सकते, यू हैव टू बी ए पार्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, तुमको मेरे साथ आजादी की लड़ाई लड़नी है। शायद हरिलाल को ही लगा कि जब मेरे पिताजी, जब मैं इतना छोटा था और वो बाहर जाकर बैरिस्टरी की पढ़ाई कर सकते हैं, तो मुझे क्यों नहीं जाने दिया जाता? और फिर वो परिवार से अलग हो गए और सारी समस्याओं की शुरुआत हो। अब आपको लगेगा कि इस कहानी का आज क्या रेलेवेंस है? एवरी सेकेंड डे और थर्ड डे पेरेंट कम्स टू मी फॉर काउंसलिंग एंड आस्क कि सर मेरी बच्ची बाहर पढ़ने जाना चाहती है, मेरा सन दूसरे शहर में जाना चाहता है, हम नहीं चाहते कि वो बाहर जाए। My opinion is very very simple. Either you convince the child or you get convinced. या तो आप बच्चे को समझा दीजिए या आप खुद समझ जाइए। यदि आपको ऐसा लगता है कि बाहर जाने से वो बिगड़ जाएगा, कुछ समस्याएं पैदा हो जाएंगी, तो ये बहुत सारी चीजें इनमें से काल्पनिक है। मैंने ऐसा महसूस किया है कि ज्यादातर बच्चे जो बाहर जाते हैं वो ज्यादा अच्छा करते हैं। They come out of their comfort zone and they learn the real life. हो सकता है कि वो आपके सपनों से भी बड़ी चीजें बाहर जाकर कर पाए, और यदि नहीं भी कर पाया तो वापस आकर वो आपके प्रोफेशन को और आपके बिजनेस को हैंडल कर सकता है। गांधी जी ने एक जगह लिखा अपने बेटे को कि तुम मेरे लिए इस देश से भी बड़ी समस्या बन गए हो। सो व्हेन वी गेट डिफीटेड इन द फैमिली, तो हम पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं, पर कई बार घर में जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज, यदि बच्चे बाहर जाना चाहते हैं और आप फाइनेंशियली कैपेबल हैं उन्हें भेजने के लिए, और यदि बच्चों के कुछ सपने हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि वो बाहर जाएं और अपने आप को आजमाएं। थैंक यू सो मच।